ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ 551ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਂ ਉਹ ਨਰਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਖਾਸਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਧੂ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਖਾਤੂਨ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ बहुत मुश्किल से इधर हम पहुँचे। अच्छा अच्छा। आधी रात का सफर किया था और हमें इधर आकर फिर स्कूल और तस्वीर। अच्छा रानिया दाए है कि रानिया चूंकि पंजाबी नहीं बोल सकते इसलिए असी उर्दू दे विच गलबात कर रहे हैं उन्होंने भी इजी होएगा तो रानिया कब से प्लान बन रहा था यहाँ पे आने का किसी ने बताया या अपना दिल चाहा हमें ये पता होता है हर साल का जब मेला लगता है हमें पता होता है तो हम अपने फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं उधर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे पहले भी आते रहते हैं? जी हाँ। कितनी बार आए? कई बार आ चुके हैं, हमारा 7-8 साल हो गया है, बचपन से आ रहे हैं हम। अच्छा रानिया फिर हमें बताएं कि यहाँ पे क्या क्या होता है, किस लिए लोग यहाँ पे हर साल इकट्ठे होते हैं, थोड़ी डिटेल बताएं बाकी जो नहीं जानते उनको बता। हमें बस यहाँ दुआ मांगने के लिए आते हैं, माथा टेकने के लिए आते हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमें अच्छे लगते हैं और तो और हम सिर्फ माथा टेकने आते हैं और कुछ नहीं। अच्छा एक कंसेप्ट जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर है कि वो मुख्तलिफ दरबारों पे जाते हैं, वो मन्नतें मांगते हैं और जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं तो वो दरगाहों पे आते हैं, दरबारों पे आते हैं। जैसे सिंध के अंदर है शाह लतीफ़ का दरबार है, सचिन सरमस्त का है और लाल शहबाज कलंदर का है, गाजी अब्दुल्ला का है, तो वहाँ पर भी लोग जाते हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि कुछ दिली मुरादें पूरी होती हैं तो फिर यहाँ पर चढ़ावे चढ़ाते आती हैं मुराद। अच्छा आप अपनी को बताएं कि कोई ऐसी मुराद जो आपने यहाँ पे दुआ मांगी हो और वाहे गुरु ने वो कबूल की? ये तो हर दुआ कबूल होती है, हम हर साल यहाँ। सिंध के अंदर से कितने लोग यहाँ पे आते हैं हर साल, कुछ आइडिया है किस तरीके से आते हैं? ज़्यादा आते हैं उधर से, खास करके मेरे कजन्स वगैरह और बाकियों का तो मैं जानती हूँ, मेरे कजन्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप सिख कम्युनिटी से हैं हिंदू से? मैं सिख। कितने सिंध के अंदर आपने बताया कि सक्कर से आप आए, सिंध के अंदर सिखों की कितनी तादाद है? बहुत ज़्यादा, गिनना बहुत मुश्किल है। गिनना मुश्किल है? एक रफली आइडिया होता है कि 1 लाख होगी, 10,000 होगी, आपको नहीं पता? तो वहाँ पे कोई आपके सिखों की कोई जैसे यहाँ पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी हुई है, तो कमेटी भी है वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी को लेकर चल रही है? जी जी है। अच्छा इसके अलावा हमें ये बताएं कि सिंध के अंदर चूँकि मल्टी रिलीजियस एक जमीन कह सकते हैं जहाँ पे सभी मजहब के मानने वाले हैं, तो वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका आपके साथ बिहेवियर किस हद तक बेहतर है, क्या इकट्ठे होते हैं, किस तरीके से होते हैं? हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, उनके साथ उनकी खुशी होती है, हम उनकी शादियों में भी जाते हैं, वो हमारी शादियों में भी आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम नहीं किसी को ये कहते कि ये मुस्लिम है या सिख है या हिंदू बरादरी, हमें हम नहीं कहते। कुछ अपनी मुस्लिम फ्रेंड्स जो आपके साथ बहुत अटैच है उनको कोई पैगाम देना जाए हमारे चैनल के लिए? जी देना चाहते हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है और मुझे उन्हें बहुत मिस करती हूँ, वो जिधर जिधर बैठी हैं वो इधर आ जाए और इधर आकर हमारे गुरुद्वारा देखें। कुछ नाम भी ले ना, ऐसे तो नहीं आएंगे, उनको बताएं जिनको आप बुलाना चाह रहे हैं कौन कौन से लोग? हीरा खान, आयशा खान और अनम खान, महविश खान, अमरा समीरम लहर, साइका खान और मेरे कुछ भाई वगैरह फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी बुलाना चाह रही हूँ, वो भी इधर लगाएं चक्कर और देखें हमारा गुरुद्वारा कितना अच्छा है और कितना मज़ा इधर आता है। तो जनाब एहसन रानिया
जिन्हों की गलबात सुनी। एक चीज़ जी हमेशा इतने आके सब चंकी लगती है, इतने इंसानों का इतराम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इंसान की तजीक असी कद नहीं देखते किसी भी गुरुद्वारे के, भले जिस मज़हब का भी है। यही गल है कि असी इस टाइम प्राणियों को बैठे हैं, एज ए ह्यूमन असी बैठे हैं। सिंध दे ने इस तो पहले साड़ी कभी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के इन लगे कि शायद पहले मिलते रहे। सो अपनाइयत ह्यूमन होने के नाते थोड़ी अपनाइयत सब तो ज़्यादा है और इन दरगाहों पर इन अस्थानों पर सानू यही सीखने को यही मिलता है। तो बहुत शुक्रिया रानिया जी, तुम साढ़े गलबात।